अस्सलाम वालेकुम, वेलकम डिज़ाइन बाय शीलाज़। आज मैं थानू बहुत ही खूबसूरत गले दी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। एक एक इंच दे मैं निशान लगा रही हूँ पूरी पट्टी ते। पट्टी ली है तकरीबन असी 12 इंच दी लंबी और उहदे उपर असी एक एक इंच दे निशान लगा रहे हैं। इहदे विच असी डोरी और तीन कोनिया वाले समोसिया का डिज़ाइन इंशाल्लाह इहदे विच सिखाऊंगी मैं थानू। 1.5 इंच चौड़ा 1.5 इंच लंबी पट्टी चौरस ले लेनी है। आ देखो मैं यहाँ किन्ने सारे ही समोसे बना के रखे हुए हैं, ट्रायंगल कह लो चाहे समोसे कह लवो। आ देखो इन्हां नू सैट करदे हुए सैट करके सीधे करके मैं इन्हां नू पट्टी दे उपर अटैच करूँगी। 1.5 इंच दे ही मैं आह जिहड़ी मैं डोरी तैयार कीती हुई है इहदे लूप्स कटिंग कर लांगे असीं। आह मैं मशीन दी सिलाई लगा के इन्हां नू मैं सिलाई लगा दूँगी। ये फिर एक जगह ते सैट हो जाएंगे तीनों बिल्कुल नए अंदाज नाल। मैं यह ट्रायंगल बनाया, तीन ही पट्टियाँ मैं डिज़ाइन दे विच ऐड करांगी। पट्टी नू सीधा करदे हुए हुण आ जिहड़े साडे लूप्स आ बिल्कुल छोटे छोटे आ और बिल्कुल भी मतलब हाथ दे नाल मशीन दे नीचे नहीं दे हो रहे, इसलिए मैं इन्हां नू आ देखो आ पेचकस दे नाल आ देखो हल्के हल्के मैं अंदर दी तरफ दबा रही हाँ। इहदे नाल अंदर दी तरफ दबांदे होए इन्हां नू मैं इह चार लगाऊंगी। मैं इहदे नाल गले दी खूबसूरती बड़ी ही प्यारी बन जाएगी इंशाल्लाह। जब तक मैं यहाँ लूप्स लगाती हाँ तुसी जल्दी दे नाल मेरा चैनल लाइक करो, सबसक्राइब करो और शेयर करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो तुहाडे कोल पहुँच सके और अच्छियाँ और बेहतरीन चीज़ा मैं इंशाल्लाह तुहाडे लिए लेके आवां। साइज छोटा वा इसलिए इन्हां नू मैं पेचकस की मदद नाल आराम ना मशीन दे पाँव दे नीचे दे के अच्छी तरह सैट करते हुए मैं दी सिलाई लगा रही हाँ। बहुत ही आसानी दे नाल मैं आह थानू पट्टी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। आह लूप्स साडे लग गए आ, हुण इहनू असीं शर्ट ते लगावांगे। आ देखो एक्सट्रा फैब्रिक सारा कटिंग कर लवांगे ताकि एक एक पैर दी सिलाई आ सके। हुण असीं इहनू गले दी सीधी साइड ते रखदे होए जिहड़ा असी गला तैयार किया सी इन्नू मैं कटिंग कर लूँगी। हुण असी इन्नू पट्टी नू हल्की हल्की गम लगा के सैट करदे हुए असी रख लवांगे इन्नू। हुण असी इन्नू सिलाई दे देवांगे। गम लगाण दा यही फायदा वा पिना वगैरह भी नहीं लगानियां पैंदियां और आसानी दे नाल साडा गला जिहड़ा हैगा ना तैयार हो जांदा वा। इहनू कपड़े नू सीधा करके सैट करदे होए आ देखो मैं कटिंग कर रही हाँ। हुण असी पट्टी नू सीधी कर लवांगे। आ देखो सीधी करके अस पट्टी साड़ी किन्नी देखो माशाल्लाह नीट और क्लीन तैयार हुई है बिल्कुल गुम सिलाई दे विच। जिहड़ा एक्सट्रा फैब्रिक हैगा इहनू असी कटिंग कर देवांगे। और आह जिहड़ा मैं गला शर्ट दा
और बुकरम का कटिंग किया सी, इनू असी दरम्यान चो हाफ हाफ करके गले की पट्टी ते लगा लवांगे। इनू भी मैं हल्का जहा ग्लू लगा दूंगी। हल्का जहा गला बाहर की तरफ निकाल देवांगे जिहड़ा साडा फोल्डिंग दे विच आएगा। गले नूं अच्छी तरह सैट करते हुए असी ग्लू दे नाल चिपका देवांगे और असी इहदी मशीन की सिलाई लगा देवांगे। जिथों तक हो सके उतों तक आसानी दे नाल, मेरा यही हुंदा वा कि मैं बहुत आसान आसान चीज़ां तुहाडे लई लै के आ सकां जिहड़ियां तुहाडी समझ दे विच वी आ जाण। पट्टी बहुत ही खूबसूरत तैयार होने वाली है इंशाल्लाह। देखो गला भी आराम दे नाल बन गया साडा क्योंकि इनू पहले ही बुकरम लगा होया सी और कपड़े ते मैं चिपका के पहले ही तैयार किया होया सीगा। हुण असी इनू कट लगा के अच्छी तरह इस्त्री करके सैट कर लवांगे, गले दी शेप निकाल लवांगे। हुण इहदी नीचे जिहड़ी फैब्रिक आणी आ कपड़ा उहनू सैट करदे होए 7 इंच का मैं निशान लगा लिया दोनों पट्टियां के उपर 7 इंच का निशान लगा के हूँ असी इनू सिलाई लगा देवांगे। सिलाई लगाने तो बाद मैं इहदा फाइनल लुक तुहानू दिखानी हाँ। बहुत सारिया दुआवां च याद रखियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे नाल। ते जांदे जांदे इस पट्टी नूं मैं इसलिए पहलो लगा रही हाँ ताकि जो मैं नैक्सट पट्टी ये उपर रख सकां वा ना रखा ना तो वह बड़ी ही नीट और क्लीन आए, बिल्कुल भी विच दा कपड़ा जाहिर नहीं होएगा। चलो जी तुसी ये दी फाइनल लुक देखो और बहुत सारिया दुआवां च याद रखियो। अल्लाह हाफिज़।